लोकसभा चुनाव होने में करीब 3 महीने का वक्त बचा है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी पर सभी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। ये माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। वहीं राजनीतिक फिजा में सियासी तराने गूंज रहे हैं कि आम चुनाव 2019 में बीजेपी को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक मंच पर आ चुके हैं। दोनों दलों में सीटों के मुद्दे पर सहमति बन चुकी है, जिसका ऐलान दोनों पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया। सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी शाह के गुरु चेले की नींद उड़ाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस दौरान उन्होंने सीटों का ऐलान करते हुए कहा कि दोनों दल 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं रायबरेली और अमेठी की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई है। आपको बताते चलें कि अखिलेश यादव ने सपा के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हुए कहा कि मायावती का अपमान मेरा अपमान है, इसलिए भारत माँ का कोई भी बेटा अगर ऐसा करता है तो वह गलत है। वहीं अखिलेश ने कहा कि सपा बसपा दोनों मिलकर भाजपा के अत्याचारों का मुकाबला करेंगे। भाजपा ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की और राम मंदिर जैसे मुद्दों से धार्मिक भावनाओं को नहीं भड़काया तो बीजेपी एंड कंपनी को हम जरूर सत्ता से बेदखल कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।